लाल सागर यानी पानी की वो संकरी सी पट्टी जो अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के बीच मौजूद है। लाल सागर मिस्र, सूडान और इरिट्रिया के तटों को सऊदी अरब और यमन के तटों से अलग करता है। इसके पूर्वी तट पर सऊदी अरब और यमन देश हैं, जबकि पश्चिमी तट पर मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती हैं। लाल सागर जो कल तक धंधा पानी के लिए समंदर का सबसे सुरक्षित और महत्वपूर्ण रास्ता हुआ करता था, वो अब हूती विद्रोहियों के हमलों से दहशत की सुनामी झेल रहा है। इजराइल और हमास की जंग के शुरू होने के बाद से ही यमन के हूती विद्रोही न सिर्फ इजरायली व्यापारिक जहाजों को लाल सागर में निशाना बना रहे हैं, बल्कि इजराइल को सपोर्ट करने वाले पश्चिमी देशों के जहाजों पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले लगातार कर रहे हैं। हालात ये हो चुके हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाएं मिलकर भी लाल सागर में हूती विद्रोहियों को रोक पाने में नाकाम साबित हुई हैं। अक्टूबर 2023 से अब तक हूती विद्रोही कम से कम 100 बार लाल सागर में जहाजों पर हमले कर चुके हैं। हूती विद्रोहियों के हमलों से बचने के लिए ही सैकड़ों कमर्शियल जहाज दक्षिण अफ्रीका के आसपास जाने के अपने रास्ते को बदल रहे हैं। हूती विद्रोहियों के निशाने पर कारोबारी जहाज हैं और ज्यादातर हमले लाल सागर में किए हैं, जिसमें शिपिंग कंपनियों की नींद उड़ गई है। हूती विद्रोही जहाजों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। लाल सागर में अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के रास्तों पर एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहे हैं। लाल सागर से होकर इजराइल जाने वाले सभी जहाजों पर हमले कर रहे हैं। मालवाहक जहाजों को हाईजैक भी करते दिख रहे हैं। लेकिन अब लाल सागर में हूती विद्रोहियों की वजह से सबसे बड़ा खतरा सामने आया है। लाल सागर में समुद्र के भीतर हूती विद्रोहियों ने फिदायीन हमलावरों की एक अलग ही दुनिया बना रखी है। दरअसल हूती के हाथ मानव रहित पनडुब्बियां लग गई हैं। हूती ने ऐसी मानव रहित पनडुब्बियां बना ली हैं या फिर हासिल कर ली हैं, जिनसे वो अमेरिका और ब्रिटेन की पनडुब्बी नेवी के जहाजों पर जोरदार हमला कर तबाही मचा सकता है। समुद्र के भीतर लाल सागर में हूती के पास ऐसे खतरनाक यूयूवी यानी अनमैंड अंडरसी व्हीकल्स हैं, जो पानी के भीतर बड़ी खामोशी से किसी भी कमर्शियल जहाज के करीब पहुंचकर धमाका कर सकते हैं। ऐसे में हूती की ताकत आसमानी ड्रोन और समुद्र के भीतर मानव रहित पनडुब्बियों की वजह से काफी बढ़ गई है। पानी के भीतर यूयूवी की वजह से अब एक बड़ा खतरा लाल सागर में कमर्शियल जहाजों पर मंडरा रहा है और लाल सागर में संघर्ष के तेज होने की आशंका काफी गहरा गई है। अब आपको बताते हैं कि हूती की इन यूयूवी यानी अनमैंड अंडरसी व्हीकल्स यानी मानव रहित पनडुब्बी की ताकत और क्षमता क्या है। हूती के ये समुद्र के भीतर चलने वाले ड्रोन्स भले ही किसी पनडुब्बी की तरह घातक नहीं है, लेकिन ये समुद्र के भीतर और जमीन के ऊपर भयानक नुकसान करने में सक्षम है। लाल सागर के भीतर कोएलिशन फोर्सेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये हो गई है कि इस तरह के ड्रोन्स के अचानक हमलों से बचा कैसे जाए। एक बार फिर से पश्चिमी देशों को अपनी नेवी की सुरक्षात्मक रणनीति और तकनीकी का फिर से गहराई से निरीक्षण और मंथन करना होगा, क्योंकि हूती के अंडर सी अनमैंड व्हीकल्स लाल सागर के भीतर दूर तक मार करने में सक्षम हैं। इन्हें अटैक करने के लिए किसी इंसान या ड्राइवर या फोर्स की जरूरत नहीं। हालांकि हूती के इन अंडरसी व्हीकल्स की क्षमता पर कोई रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन ये मिलिट्री सबमरीन्स की ही तरह पानी में बड़ा हमला करने की ताकत रखते हैं। ये यूयूवी अपने साथ में माइंस, बम, टॉर्पीडो और विस्फोटक ले जा सकते हैं, जो कि किसी भी जहाज को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में समुद्र के भीतर से निकली इस नई चुनौती और खतरे से निपटने के लिए दुनिया भर की नेवी सेनाओं को जंग लड़ने के तरीके में भारी बदलाव करने होंगे। क्योंकि इन यूयूवी को टारगेट पर पहुंचने से पहले डिटेक्ट करना और नष्ट करना बड़ी चुनौती होगी। ये दूसरे मिलिट्री ड्रोन्स की तरह समुद्र के भीतर टारगेट गाइडेंस से लैस नहीं होते हैं। इसके बावजूद जमीन और आसमान से खतरे को तुरंत भांपने और जवाब देने वाली नेवी सेनाओं को समुद्र के भीतर इन खुफिया यूयूवी को पहचानना और पलटवार करना आसान नहीं होता है। सोनार सिस्टम और अंडरसी सर्विलेंस सिस्टम से भी इनको ट्रैक करना आसान नहीं है। ये दबे पांव हमला करेंगे, नष्ट भी हो गए तो हूती का कोई नुकसान नहीं,
नष्ट होने के पहले किसी बड़े कमर्शियल जहाज को एक बड़ा घाव दे देंगे। लाल सागर में कमर्शियल जहाजों को नुकसान पहुंचाना ही इनका मकसद है। हूती की कोशिश है कि लाल सागर पर इस कदर दहशत फैला दी जाए कि कारोबारी जहाज वहां से गुजरना बंद कर दें। दरअसल लाल सागर दुनिया भर के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर से ही हर साल 17,000 जहाज गुजरते हैं। 12% सालाना वैश्विक कारोबार लाल सागर से ही होता है। लाल सागर से $10 खरब के सामान का आयात निर्यात होता है। अकेले भारत का स्वेज नहर और लाल सागर के रास्ते करीब $200 अरब का कारोबार होता है। लेकिन लाल सागर में समुद्र के भीतर से निकलते इस नए खतरे से ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हो सकती है, जिस वजह से क्रूड ऑयल और दूसरे जरूरी उत्पादों के दाम बढ़ सकते हैं और फिर नतीजतन महंगाई भी बढ़ेगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर भी पड़ेगा, क्योंकि लाल सागर में जहाजों के लंबा रास्ता लेने की वजह से हर जहाज को 10 दिन अधिक सफर करना पड़ेगा। इससे कंपनियों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। बड़ी बात यह है कि अधिकतर बीमा कंपनियों ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को बीमा देने से मना कर दिया है। अब चलते चलते आपको फिर बता दें कि हूती विद्रोही दरअसल यमन के अल्पसंख्यक शिया जैदी समुदाय का एक ग्रुप है। साल 1990 में तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए हूती ग्रुप का गठन किया गया था। कहा जाता है कि हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है। हूती विद्रोही अमेरिका और इसराइल को अपना दुश्मन मानते हैं। Go!